हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं LIC का एक नया प्लान जो कि लॉन्च किया जा रहा है 22 जनवरी 2024 को, LIC जीवन धारा 2, जिसका टेबल नंबर है दोस्तों 872। ये एक दोस्तों गारंटिड एन्युइटी प्लान रहने वाला है। ये प्लान उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी एक फिक्स मंथली पेंशन आती रहे। इस प्लान की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों कि आपकी मंथली पेंशन जो है वो तो आती ही रहेगी, प्रीमियम पे किया होगा वो भी दोस्तों आपको वापस मिल जाएगा। ये दोस्तों एक गारंटिड एन्युइटी प्लान रहने वाला है। इसमें अच्छी चीज़ एक और है कि इसमें आपको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी मिल जाता है, सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी मिल जाएगा। मैक्सिमम जो एन्युइटी पेंशन प्लान्स होते हैं उनमें दोस्तों एक बार प्रीमियम देना होता है, लेकिन इस प्लान में आप रेगुलर प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। गारंटेड इनकम चाहें तो आप दोस्तों पॉलिसी लेते टाइम ही शुरू करवा सकते हैं अपनी, और या फिर चाहें तो आपको डेफरमेंट ऑप्शन भी मिल जाएगा। कहने का मतलब, प्लान लेने के कुछ सालों बाद अगर आप चाहें तब आपकी पेंशन शुरू हो जाए। ये दोस्तों सिंगल प्लान लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, अगर आप जॉइंट लाइफ एन्युइटी प्लान लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर हम एन्युइटी ऑप्शंस की बात करें तो आपको 11 ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम रेगुलर प्लान की, इसमें भी आपको सिंगल लाइफ एन्युइटी प्लान मिल जाएगा और जॉइंट लाइफ एन्युइटी प्लान मिल जाएगा। रेगुलर प्रीमियम के सिंगल लाइफ एन्युइटी प्लान में दोस्तों आपको 7 ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। 7 के 7 ऑप्शन पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है कि आपको सिंगल लाइफ, कोई बंदा ये प्लान लेता है उसको सिंगल लाइफ एन्युइटी चाहिए। कहने का मतलब जब तक वो बंदा जिंदा रहे उसकी हर महीने पेंशन आती रहे। दूसरा है दोस्तों सिंगल लाइफ के साथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन। कहने का मतलब कोई बंदा है जो खुद चाहता है कि उसको पूरी लाइफ एन्युइटी मिलती रहे, हर महीने पेंशन मिलती रहे, साथ में रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी चाहिए। कहने का मतलब कि जब उनकी डेथ हो जाए तो नॉमिनी को सारा का सारा प्रीमियम जो उन्होंने पे किया था वो वापस भी दिया जाए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 आता है दोस्तों कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वो सिंगल लाइफ एन्युइटी ले, कहने का मतलब सिंगल लाइफ उसको पेंशन चाहिए पूरी ज़िंदगी भर, और जब उसकी एज 75 साल हो जाए उसके बाद उसको 50% जो प्रीमियम है वो रिटर्न कर दिया जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या आता है कि 75 साल बाद सिंगल लाइफ वाले ऑप्शन में आपको 100% प्रीमियम रिटर्न कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर 5 में क्या आता है दोस्तों कि सिंगल लाइफ वाला बंदा जो एन्युइटी ले रहा है उसकी एज 80 साल होने पे 50% प्रीमियम रिटर्न कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर 6 में क्या है कि सिंगल लाइफ वाले बंदे को 80 साल एज होने पर 100% रिटर्न कर दिया जाए उनका प्रीमियम जो पे किया था। और ऑप्शन नंबर 7 दोस्तों इसमें आता है कि अगर कोई बंदा सिंगल लाइफ एन्युइटी लेता है और उनकी एज जब 76 साल हो जाए तो 76 साल से लेके उनकी एज 95 साल होने तक उनको उनके प्रीमियम का 5% रिटर्न मिलता रहे, जो उन्होंने प्रीमियम पे किया होगा उसका 5% उनकी एज 76 साल से लेके 95 साल तक मिलता रहेगा। 76 पे शुरू हो जाएगा, 95 तक मिलेगा, ठीक है। रेगुलर प्रीमियम में दूसरा एन्युइटी टाइप आता है दोस्तों आपके पास जॉइंट लाइफ एन्युइटी टाइप। इसमें ऑप्शन नंबर 8 आता है कि जॉइंट लाइफ में लाइफ टाइम एन्युइटी चाहिए। जॉइंट लाइफ में दोस्तों आप चाहे तो आप और अपने स्पाउस के लिए ये ले सकते हैं प्लान। इसमें क्या है, दोनों को पेंशन मिलेगी और ये जॉइंट लाइफ एन्युइटी मिलेगी। कहने का मतलब पहले एक को पेंशन मिलेगी, उसकी डेथ होने पर दूसरे को पेंशन मिलेगी, दूसरे की जब डेथ हो जाएगी तो प्लान बंद हो जाएगा। इसी में आप चाहें तो ऑप्शन 9 भी ले सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि जॉइंट लाइफ में जब पहले बंदे को पेंशन मिलती रहेगी उसकी डेथ हो जाएगी तो दूसरे को पेंशन मिलती रहेगी, जब दूसरे की भी डेथ हो जाएगी तो जितना प्रीमियम पे किया था वो सारा का सारा उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। सिंगल प्रीमियम में दोस्तों एन्युइटी टाइप भी दो तरीके की मिल जाएगी आपको, सिंगल लाइफ एन्युइटी और जॉइंट लाइफ एन्युइटी। सिंगल लाइफ एन्युइटी या फिर जॉइंट लाइफ एन्युइटी आप लेते हैं ऑप्शन नंबर 10 और ऑप्शन नंबर 11, इन दोनों में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ में पेंशन मिलती रहे लाइफ टाइम, और उसके साथ आपने जो भी प्रीमियम पे किया था वो आपको वापस दे दिया जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं अगर कोई बंदा रेगुलर प्रीमियम पे करता है तो उनका कम से कम ईयरली प्रीमियम कितना पे करना होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेगुलर प्रीमियम अगर कोई बंदा पे कर रहा है उसका कम से कम ईयरली प्रीमियम कितना होगा, ठीक दोस्तों। डेफरमेंट पीरियड आपको यहाँ पे 5 साल से लेके 15 साल का मिल जाता है। अब दोस्तों अगर आपका डेफरमेंट पीरियड 5 से लेके 6 साल तक का है तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चुना है, अगर आपकी एज 55 साल से कम हो तो आपको 37,000 रुपये
ईयरली पे करने होंगे रेगुलर प्रीमियम के केस में। अगर आपकी एज 55 साल या उससे ज़्यादा है तो आपको 28,000 रुपये पे करने होंगे रेगुलर प्रीमियम के केस में सालाना, ठीक है। वहीं पे अगर हम 10 से 15 साल के डेफरमेंट पीरियड को लेके देखें तो ईयरली ऑप्शन वन की बात करें तो 55 साल से कम एज वाले लोगों को 16,000 रुपये ईयरली देने होंगे रेगुलर प्रीमियम के केस में, और 55 साल से अगर एज ज़्यादा है तो 11,000 रुपये देने होंगे रेगुलर प्रीमियम के केस में हर साल कम से कम, ठीक है दोस्तों। मिनिमम इतने पैसे देने होंगे, बाकी 9 के 9 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं चार्ट में। अब दोस्तों सिंगल प्रीमियम की अगर हम बात करें कि अगर कोई बंदा सिंगल प्रीमियम चुनता है तो उसको कम से कम सालाना कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, इसमें भी दोस्तों जो आपको डेफरमेंट पीरियड है वो आपको 1 साल से लेके 15 साल तक का मिल जाता है। और इसमें दोस्तों आपको पता है कि आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर डेफरमेंट पीरियड किसी का 5 से 9 साल है और वो सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन नंबर 1 चुनता है कि एज 55 साल से कम है तो 1,65,000 रुपये देने होंगे, अगर 55 साल से एज ज़्यादा है तो 1,50,000 रुपये देने होंगे। वैसे ही दोस्तों आप पूरे चार्ट को अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कम से कम एंट्री एज रखी गई है 20 साल, मैक्सिमम एंट्री एज दोस्तों अलग अलग एन्युटी ऑप्शंस के हिसाब से अलग अलग है, आपके सामने पूरा चार्ट है तो आप दोस्तों आराम से देख सकते हैं। मिनिमम वेस्टिंग एज, मैक्सिमम वेस्टिंग एज, डेफरमेंट पीरियड हमने आपको बता दिया। प्रीमियम पेमेंट टर्म की दोस्तों बात करें तो इसमें आपको रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली आप पे कर सकते हैं, सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों एन्युइटी पेमेंट का मोड हम देखें कि आपको पेंशन कैसे मिले तो आप ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ले सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपके सामने मैक्सिमम एंट्री एज हर एक ऑप्शन के हिसाब से दी हुई है, मिनिमम वेस्टिंग एज हर एक ऑप्शन के हिसाब से दी है, मैक्सिमम वेस्टिंग एज हर एक ऑप्शन के हिसाब से दी है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि मिनिमम एन्युइटी आप कितना ले सकते हैं। अगर आपने मंथली मोड चुना तो कम से कम आपको 1,000 रुपये पेंशन लेनी होगी, क्वार्टरली मोड में 3,000 रुपये कम से कम लेनी होगी, हाफ ईयरली मोड में कम से कम 6,000 रुपये पेंशन लेनी होगी और ईयरली मोड में कम से कम 12,000 रुपये पेंशन लेनी होगी। अगर आप दोस्तों चाहें तो अपने इस प्लान में टॉपअप भी कर सकते हैं, एन्युइटी के टॉपअप का ऑप्शन भी मिलता है आपको। एडिशनल प्रीमियम जो होगा दोस्तों आप कभी भी पे कर सकते हैं अपने डेफरमेंट पीरियड के दौरान, और हर एक टॉपअप दोस्तों जो आप करोगे उसको ट्रीट किया जाएगा इंडिपेंडेंट सिंगल प्रीमियम की तरह, ठीक है। अगर आप अपनी बेस पॉलिसी को सरेंडर करोगे दोस्तों तो आपके टॉपअप प्रीमियम्स भी सरेंडर हो जाएंगे। इसमें दोस्तों एक और अच्छी चीज़ है कि आपको लिक्विडिटी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका जो प्लान है वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन है, कहने का मतलब एन्युइटी ऑप्शंस 2, 9, 10 और 11 है, तो अगर आप चाहें तो जब आपकी एन्युइटी, कहने का मतलब पेंशन शुरू हो जाए, उसके 5 साल बाद आप कुछ पोर्शन अपना जो प्रीमियम पे किया होगा आपने वो ले सकते हैं, और वो कितना ले सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों होगा क्या कि जब आप अपने प्रीमियम का कुछ पोर्शन 5 साल बाद ले लेंगे अपनी एन्युइटी शुरू होने के, उसके बाद जो आपकी एन्युइटी और जो बाकी बेनिफिट्स होंगे वो भी उसी हिसाब से कम हो जाएंगे, और ये जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है ये आपकी टॉपअप पेमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी। आप अपनी पॉलिसी के दौरान मैक्सिमम 3 बार ही ये लिक्विडिटी ऑप्शन ले सकते हैं, और जो आपने प्रीमियम पे किया होगा आप उसका 60% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अब दोस्तों इस पॉलिसी में आपको एडवांस्ड एन्युइटी ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपने जॉइंट लाइफ एन्युइटी ऑप्शन लिया है विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो कि ऑप्शन 9 और 11 है, इस केस में दोस्तों अगर पहले बंदे की डेथ हो जाती है जो पेंशन ले रहा है, उसके बाद जो दूसरा बंदा बचा हुआ है अगर वो चाहे तो 5 साल की एन्युइटी एडवांस में ले सकता है। कहने का मतलब अगर पहले बंदे की डेथ हो जाए और जो दूसरा बंदा होगा जॉइंट लाइफ ऑप्शन में, अगर वो चाहे तो अगले 5 साल की एन्युइटी एडवांस में ले सकता है, 5 साल की पेंशन एडवांस में ले सकता है। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो सिंगल प्रीमियम के केस में आप कभी भी सरेंडर कर लीजिए। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो कम से कम आपकी पॉलिसी 2 साल चली होनी चाहिए। लोन लेना चाहते हैं लोन भी मिल जाएगा, लोन सिर्फ उन ऑप्शंस में मिलेगा यहाँ पे आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन चुना होगा, और ये जो लोन होगा दोस्तों आपके सरेंडर वैल्यू के अंदर अंदर होगा, ठीक है। आपको मैक्सिमम सरेंडर वैल्यू का
80% तक लोन मिल सकता है। अगर आप पॉलिसी किसी कारणवश आपकी बंद हो जाती है तो जो आपने लास्ट प्रीमियम पे किया होगा उसके 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से चालू करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये प्लान बिल्कुल ही नया लॉन्च किया गया है। जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन अभी तक इसकी निकल के आई है वो सारी की सारी हमने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब जैसे ही प्लान लॉन्च होगा तो इस पर एक डिटेल वीडियो हम दोस्तों एग्जाम्पल के साथ लेके आएंगे आपके लिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इंश्योरेंस के रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।